बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सुपर एलिवेशन की स्लोप कैलकुलेशन, कि आप टी आर लेंथ के दरमियान अपने सुपर एलिवेशन के स्लोप्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि टेबल बना हुआ है, टी आर स्टेशन है, इसके स्टेशन आपने इनपुट करना है, एंड स्टेशन टी आर का जो है वो आपने इनपुट करना है, इधर इसी टी आर स्टेशन के ऊपर जो स्लोप आ रही है वो आपने देनी है, एंड के ऊपर जो मैक्स सुपर एलिवेशन आ रही है वो आपने देनी है। उसके बाद आप इधर से जो जो भी आर डी आप नीचे इसके ऊपर देते जाएंगे उसके हिसाब से आपके नीचे इसके स्लोप्स वगैरह इससे कैलकुलेट होती जाएंगी सारी, जिस तरीके से इधर जो जो से भी आरडी के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट होगी, एक मीटर के ऊपर आपको चाहिए, वो एक एक मीटर के हिसाब से भी सारी कैलकुलेशंस वगैरह इसके अंदर आएंगी। तो इसको हमने डेटा जो इनपुट करना है वो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सुपर एलिवेशन का टेबल हमारी प्लान प्रोफाइल की शीट्स के ऊपर दिया गया होता है, जिसके अंदर हमारा ये टी आर स्टार्ट हो रही होती है। इधर से आपने ये वाला स्टेशन देना है और इधर स्टार्ट स्टेशन के साथ आपने ये स्लोप -2% की जो आ रही है वो दे देनी है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं कि इधर हमारे टी आर एंड हो रही है इस स्टेशन के ऊपर 1+350 के ऊपर, उधर हमारे पास मैक्स सुपर एलिवेशन है 4% की। तो आपने ये इधर से स्टेशन को इनपुट करके और 4% की स्लोप आपने दे देनी है। तो ये दरमियान में जो टी आर लेंथ के दरमियान में जितने भी स्टेशन आ रहे हैं इनके स्लोप्स वगैरह सारी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से एंड स्टेशन भी आप दे देंगे और स्लोप दे देंगे +4% के ऊपर, और इधर आपने एंड स्टेशन दे देना है इधर 1+455, और इधर आपने इसकी जो स्लोप दे देनी है उसके हिसाब से ये दरमियान में इसके टी आर लेंथ की सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके बाद हम आगे डिटेल में इसको हम पूरा बनाएंगे, इसके ये फार्मूले इधर लगे हुए हैं, ये फार्मूले भी मैं आपको बताऊँगा आपने कैसे लगाना है, और उसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन को भी हम इधर करेंगे। इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो हम इंजीनियरिंग के सर्विसेज फ्राहम करते हैं जिसके अंदर लैंड डिमार्केशन है। अगर आपने अपनी कोई लैंड आपके पास कल्टीवेटेड लैंड है, आपके पास ज़रूरी ज़मीन है या कमर्शियल ज़मीन है, या आपका कोई हाउस प्लाट वगैरह है, लेआउट्स वगैरह करवाना चाहते हैं, उसकी मेजरमेंट्स वगैरह कराना चाहते हैं, उसका गूगल अर्थ का प्लान बनाना चाहते हैं, तो हम आपको बना दे सकते हैं। रोड्स कैनाल के ऊपर टापो सर्वे डिज़ाइन की प्लान प्रोफाइल्स, इनके क्रॉस सेक्शंस वगैरह, अर्थवर्क की क्वान्टिटीज़ वगैरह, सारी कैलकुलेशंस वगैरह हम आपको करके आसानी के साथ अच्छे तरीके से दे सकते हैं। एज बिल्ट सर्वे या ड्राइंग्स जो भी आप बनवाना चाहते हैं, इसी तरीके से बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी प्लाजा है, लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग है, प्लानिंग ऑफ सोसाइटी है, टाउन प्लानिंग है हमारे पास, इसी तरह इसकी प्लॉटिंग है, आप सोसाइटी के प्लाट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल रोड्स वगैरह, इस तरीके से जो रोड्स हैं उनकी सारी वर्किंग कंप्लीट, पार्क्स, ड्रेनेज वर्क, ड्रेनिंग सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, जो भी आप इस सोसाइटी वगैरह के अंदर जो भी आप कंप्लीट वर्किंग करवाना चाहते हैं वो हम आपको करके दे सकते हैं। टॉपोग्राफी का सर्वे, किसी भी किस्म का सोसाइटी का सर्वे, रोड्स के सर्वे, तो उसके लिए कैनाल्स वगैरह के, एजुकेशन के जो भी काम है उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। गूगल सर्विसेज हैं, गूगल अर्थ है, KML, KMZ, ग्लोबल मैपर, GIS, के अंदर जो भी वर्किंग होगी उसको वर्किंग को हम आपको करके दे सकते हैं। इसी तरीके से हाउस प्लान है, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह के हवाले से जो भी काम आपके पास है, तो अगर आप करवाना चाहते हैं हमसे तो आप मुझे इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप मुझे इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप कर दें, पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, और अपना काम जो भी आप करवाना चाहते हैं अच्छे तरीके से हम आपको करके दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट के साथ, इसको इधर से मैं डिलीट कर देता हूँ सारे पोर्शन को, ताकि आगे हमारे आसानी के साथ हम इसको बना सकें। तो इधर से ये डेटा मैंने सारा डिलीट कर दिया है, तो इसको स्टार्ट कर। तो इधर आप ये देख रहे हैं कि टी आर स्टार्ट स्टेशन है, आपने इधर स्टेशन इनपुट करना है, टी आर एंड स्टेशन है, इधर जिधर आपकी टी आर एंड हो रही है वो वाले स्टेशन इनपुट करना है, और इधर आपने टी आर स्टेशन के ऊपर जो स्लोप आपकी जा रही है, कैम्बर जा रही है तो -2 या -2.5 की वो एंटर कर देनी है, और एंड के ऊपर अगर आपके पास सुपर एलिवेशन 6% के ऊपर जा रहा है तो वो आपने जैसे इनपुट कर देना है इसके अंदर। नीचे हमारे पास रिक्वायर्ड स्टेशन है, इन टी आर स्टेशन के दरमियान में जो भी रिक्वायर्ड स्टेशन आपको चाहिए होगा उसके दरमियान में इधर सुपर एलिवेशन की स्लोप आ जाएगी। तो स्लोप को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो इधर हम अपनी ड्राइंग के ऊपर आ जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर प्लान प्रोफाइल की ड्राइंग है सारी, ये हमारे पास बनी हुई ऊपर प्लान है और नीचे इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो हम निकलना, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे इसकी पूरी इधर डिटेल दी गई होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे इसकी पूरी डिटेल दी गई होती है, सुपर एलिवेशन है, ग्रेड, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये नीचे हमारे पास जो स्लोप जा रही होगी ये -2% का नॉर्मल ग्रेड है, उसके बाद ये हमारे पास टी आर स्टार्ट हो रही है, टेंजेंट है, उसके बाद रेडियस है, ऊपर ये हमारे पास ये कर्व जा रही है, आप देख रहे हैं ये कर्व जा रही है, इसके ऊपर हमारे पास इधर सुपर एलिवेशन दिया गया है। तो जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी ये -2 से लेके और +4% हमारे पास इधर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है, तो ये टी आर हमारे पास स्टार्ट हो रही है और इधर ये जगह के ऊपर टी आर हमारे पास एंड हो रही है। तो आपने ये दोनों स्टेशन देने हैं, हमारे पास इधर स्टेशन है, सपोज हम कर लेते हैं 1+2.75
आपने इधर एक्सेल के ऊपर आ जाना है और इधर आपने शीट के ऊपर लिख देना है स्टार्ट सेशन 1+275 आईडी आपने बना देनी है और उसके बाद नीचे आ जाना है। इधर आप देख रहे हैं कि 1+275 से पीछे जो हमारी स्लोप जा रही है वो -2% की जा रही है दोनों साइड्स के ऊपर। तो हम ऊपर वाली साइड को देखेंगे तो ये वापस -2% की जा रही है, तो आपने इसी आईडी के साथ इधर -2% की स्लोप आपने लगा देनी है। स्लोप लगाने के बाद आप इसका डेसिमल पहले इसी तरीके से एडजस्ट कर लें। इसी तरह टी आर एंड स्टेशन आपने कौन सा देना है, ये आप देख रहे हैं कि टी आर हमारे पास स्टार्ट था, ये वहाँ पर टी आर एंड हो रहा है, इसके दरमियान में ये हमारे पास मैक्स सुपरलिशन है 4% की। तो ये आपने जो टी आर एंड है हमारे पास 1+350 के ऊपर, तो आपने जैसे उसकी जो आईडी इधर इंटर कर देनी है वो 1+350 वाली आईडी दे देनी है और इसके साथ जो मैक्स सुपरलिशन हमारे पास आ रही है 4% की, आप देख रहे हैं 4% की आ रही है, तो आपने इसको 4% वाला जो स्लोप है उसको आपने इधर इनपुट कर देना है इस स्टेशन के अंदर 4% आपने दे देनी है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये डेटा हमारा इनपुट है, जिधर से भी आपकी टीआर स्टार्ट हो रही होगी वो स्टेशन, जिधर एंड हो रही है वो स्टेशन, स्टार्ट जो हमारी सुपर एलिवेशन हो रही है कैम्बर जो जा रहा है या सुपर एलिवेशन जा रही है कोई भी, वो आपने इधर इनपुट कर देनी है और उसके बाद मैक्स सुपर एलिवेशन जो होगी वो आपने इधर एस आर डी के ऊपर जो भी आ रही है वो आपने दे देनी है। तो आपने इसी तरीके से इसको इसी फार्मेट के ऊपर कर देना है और ये आर डी को आपने इधर से राइट क्लिक करना है, फार्मेट सेल के ऊपर आना है, इधर से नंबर्स के ऊपर आ जाएंगे, जैसे आपने कस्टम के ऊपर आ जाना है, ये जनरल हमारे पर लिखा हुआ है, आप इसको जैसे सेलेक्ट करके रिप्लेस कर देंगे 0+00.000 या जो भी आप रखना चाहते हैं। तो ये आप रिप्लेस कर दी, ये आईडी के फॉर्मेट में आ गया, इधर से फॉर्मेट प्रिंटर को आपने सेलेक्ट करना है, इधर भी लगा देना है और थर्ड नंबर के ऊपर ये हमारे पास आईडी आ रही है रिक्वायर्ड आईडी, इसके ऊपर भी आपने इधर से उसको लगा देना। तो आपने ये इनपुट आपने इसी तरीके से कर देनी है, टी आर स्टार्ट टी आर एंड, उसका स्टार्ट और एंड स्टेशन आपने इधर से इनपुट कर देना। अभी आप हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो हमने इन दोनों स्टेशन के दरमियान में करनी है, इधर हमारे पास -2 से लेके हमने 4% तक आना है। आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास -2 है, इधर से -2 स्टार्ट हो रही है और इधर से हमारे पास ये एंड स्टेशन है 1+350 वाला, इधर हमारे पास 4% की आ रही है आगे। तो हमारे पास सिंपल मैक्स सुपरलिविशन है, इसकी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो दरमियान में ट्रांजिशन लेंथ होती है टी आर लेंथ, इसकी कैलकुलेशन को हम इधर करेंगे। तो आपने इधर ये डेटा को इसी तरीके से जो जो से भी आपकी ड्राइंग के हिसाब से इधर आर डी आ रही है, टी आर स्टार्ट टी आर एंड और इसी दोनों स्लोप्स वगैरह आपने इधर इनपुट कर देना है। तो अब आप नीचे आ जाते हैं, नीचे देख रहे हैं रिक्वायर्ड स्टेशन, रिक्वायर्ड स्टेशन आपने देना है 1+275 से लेके 1+350 के दरमियान वाला। तो इधर 1+275 है सपोज, तो हम इधर से 1+300 का हम स्टेशन इधर से इनपुट कर देते हैं, ये हमारे पास आर डी आएगी, हमें इस आर डी के नीचे इधर उसके स्लोप चाहिए इन दोनों आर डी के हिसाब से, कि जो वापस ट्रांजिशन की जो स्लोप आ रही है वो हमने स्लोप इधर बनानी है, उसके नीचे हमने इधर फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए आपने इधर से इजिकल टू और इधर से आपने सबसे पहले ये आपने स्टार्ट सुपर एलिवेशन की जो स्लोप है कैमर स्लोप है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, प्लस का साइन लगाना है, इधर आपने 3 ब्रैकेट्स लगा देनी है, 1, 2, 3 ब्रैकेट्स इसी तरह ऐड कर देनी है। अब इसके बाद आपने जैसे माइनस का साइन आपने लगाना है और ये वाली जो स्लोप है इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, प्लस का साइन लगाना है और साथ एंड जो सुपर एलिवेशन की स्लोप है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है, इसकी ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने डिवाइडेड का निशान लगा देना है, एक ब्रैकेट आपने इधर से और ऐड करनी है। इसी तरीके से जो हमारे पास एंड टी आर स्टेशन है इसको आपने माइनस कर देना है स्टार्ट टी आर स्टेशन के साथ, और जैसे आपने इसकी डबल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद आपने जैसे मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और आपने एक ब्रैकेट और स्टार्ट करनी है, और ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्टेशन है इसको आपने माइनस कर देना है अपने स्टार्ट स्टेशन के साथ, उधर से आपने इसकी ब्रैकेट को पहले को भी क्लोज कर देना है और दूसरी ब्रैकेट को भी आपने क्लोज कर देना। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट स्टेशन हमने इधर लिखा है, उसके बाद 3 ब्रैकेट्स लगाई हैं और ये जो माइनस वाले साइन था इसको हमने इधर से उसके माइनस के साइन के साथ E6 की वैल्यू को दोबारा लिखा, प्लस का निशान लगाने के बाद मैक्स सुपर एलिवेशन, और उसके बाद डिवाइडेड का निशान लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की और जैसे एंड स्टेशन और माइनस स्टार्ट स्टेशन को कर दिया आपस में, ब्रैकेट दोनों क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाई हमने डिस्टेंस कर दिया रिक्वायर्ड स्टेशन माइनस स्टार्ट स्टेशन। तो ये हमारे पास इधर फार्मूला से कंप्लीट हो गया है, इसको आपने जैसे इंटर कर देना, इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे पास 400 का आ गया। अभी आप इधर से स्टेशन हम देते हैं 1+275 का, इधर हमारे पास सुपर रेवोल्यूशन स्लोप आ गई -2% की, 1280 का हम देंगे तो स्लोप आ जाएगी 1.6 की, 1290 की हम आईडी इनपुट करेंगे तो -8% की है, 1+300 कर देंगे तो उधर 00 की स्लोप आ जाएगी, इसी तरीके से 1310 की हम आईडी इनपुट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 0.80, और इसी तरीके से 1320 की जो आईडी हम इधर इनपुट करेंगे उसके ऊपर स्लोप आ जाएगी 1+6% की,
1330 के ऊपर करेंगे तो 2.4% की, और इसी तरह 1350 के ऊपर हम करेंगे तो ये आ जाएगी स्लोप हमारे पास 4% की। तो ये इसके दरमियान में 1+275 से लेके 1+35 के, अभी आप इस स्टेशन के ऊपर जो भी स्टेशन आप इनपुट करेंगे नीचे आपकी इसकी स्लोप्स परसेंटेज के ऊपर आती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको तरीकाकार इसका अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि हमारे पास एंड स्टेशन पे हमारे पास अगर इधर 6% की स्लोप प्लस के ऊपर, ये स्टार्ट सुपर एल्यूशन 6% से हो रही है और हम माइनस की तरफ जा रहे हैं 2.50 एंड वाली स्टेशन के ऊपर, तो ये दोनों स्टेशन हमने इधर इनपुट कर दिए हैं, ये +6 से लेके हमने -2.5 तक जाना है। तो इधर आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, 1275 को अगर आप करेंगे तो ये 6% इधर स्लोप आ जाएगी, इसी तरीके से 1280 +0.433 आ जाएगी, इसी तरह 1300 के ऊपर आप आते हैं तो 3.167, और इसी तरह 1320 आप ऐड करते हैं तो +0.90 की आ जाएगी, 1340 ऐड करेंगे तो -1.347, और 1350 जो हमारा एंड स्टेशन आप इंटर करेंगे तो -2.5 के ऊपर इधर आ जाएगी। इसी तरीके से आप ये देखते हैं अगर आपने माइनस इधर हमारे पास 2.5% वो इधर है हमारे पास -6%, अब माइनस के ऊपर जाएंगे तो उसकी भी आप ये देखेंगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी, 1+275 हमारे पास स्टार्ट थी, इसी तरह 1280 के ऊपर करेंगे तो 2.733 की माइनस के अंदर आ जाएगी, 1300 के ऊपर करेंगे तो 3.667 आ जाएगी, माइनस में 1320 कर देंगे तो -4.6, और इसी तरह 1350 करेंगे तो ये -6% के ऊपर आ जाएगी। तो इधर से भी आपने जो से भी स्लोप चेंज करनी है उसका फार्मूला यही है जो मैंने आपको इधर बता दिया, आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसको आपने सेव करना है तो आप इसको क्लिक करके F4 प्रेस करके इन सब के साथ आप जैसे लॉक कर दें इन सारी वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास अगर कोई आगे डिस्टर्ब नहीं होएगा वैल्यू, और इसी तरीके से ये आपका फार्मूला इधर चल जाएगा। तो आपने इस सुपर एलिवेशन के हिसाब से जो इनसे भी ये कैलकुलेशन उसकी TR लेंथ के हिसाब से करनी है तो ये इजीली उसकी कैलकुलेशन वगैरह सारी होती जाएगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ये इसको क्लिक करेंगे लिंक ओपन हो जाएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि हम इंजीनियरिंग की सर्विसेज फ्राहम करते हैं जिसके अंदर लैंड डिमार्केशन है, रोड कैनाल्स, एसबिल्ट सर्वे, इसी तरह बिल्डिंग्स, मल्टीप्लाजा है, लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग है, कोई सोसाइटी वगैरह के प्लान, कोई प्लाट्स वगैरह, इसी तरीके से टाउन प्लानिंग वगैरह और उनके सीवरेज, रोड वर्क्स, हर किस्म की वर्किंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह टॉपोग्राफिकल सर्वे है, कोई भी आपका सर्वे आप कराना चाहते हैं सोसाइटी का, रोड्स का, किसी भी जगह का, वो हम सर्वे हर किस्म की सर्वे आपको मार करके दे सकते हैं, सारा बना के दे सकते हैं, उसके प्लान्स वगैरह। गूगल सर्विसेज हैं, KML KMZ फाइल है, कोई प्लाट के एरिया है, कोई सोसाइटी की प्लानिंग है, कोई भी चीज़ आप गूगल अर्थ के ऊपर बनाना चाहते हैं, ग्लोबल मैपर के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो हम आपको अच्छे तरीके से करके दे सकते हैं। हाउस प्लान वगैरह, किसी भी किस्म के हाउस प्लान वगैरह के लिए आप हम सबसे इन नंबर्स के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं तो जो भी काम आपने ऑनलाइन करवाना है उस सिलसिले में आप मुझे इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, जैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको खुद भी आप बना सकते हैं। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको जाए सिंपल वे के जरिए इसकी जो TR की जो कैलकुलेशन होगी वो आप एक्सेल के अंदर किस तरह बना सकते हैं, एक दफ़ा शीट बना लें और उसके बाद इसके ऊपर आप अपना काम करते रहें। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।